आज 5 सितंबर पूरे देश में शिक्षक दिन मनाया जा रहा है, लेकिन क्यों इस शिक्षक दिवस पर माता सावित्री फुले का जिक्र नहीं होता? आखिर क्या कारण है कि देश ने पहली महिला शिक्षिका को भुला दिया, जबकि हम प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन तेलुगु भाषी नियोगी ब्राह्मण के व्यक्तित्व व कर्तृत्व को पढ़कर उनसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन क्या राधाकृष्णन के बारे में बहुजन समाज को जानकारी है कि उन्होंने शिक्षा के लिए क्या किया है? राधाकृष्णन ने 40 साल तक स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, उन्होंने एक भी स्कूल नहीं खोला, वे सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए पढ़ा रहे थे। जबकि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने 1848 में भारत का प्रथम स्कूल खोला, तब तक तो बॉम्बे हाई स्कूल भी नहीं खुला था। इसके अलावा लड़कियों को पढ़ाने के लिए कुल 3 स्कूल खोले थे। यह ऐतिहासिक घटना है कि राधाकृष्णन पर अपने ही शोध छात्र जद्दुबनाथ की थीसिस को चुराने का आरोप लगा, इस पर मुकदमा भी चला। उस चुराए गए थीसिस को किताब के रूप में छपवा कर राधाकृष्णन ने नाम कमाया। वही राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को जब लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षिका नहीं मिली, तब उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षण के लिए तैयार किया और महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रवेश द्वार खोला। यही नहीं, राधाकृष्णन अपनी आय बढ़ाने के लिए ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे, जबकि शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को अपने ही घर से निकलवा दिया गया, जाति से बहिष्कृत होना पड़ा। इसके बाद भी उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और शिक्षा का प्रसार करते रहे। एक इतिहास यह भी है कि राधाकृष्णन अपने पीरियड में 20 मिनट देरी से कक्षा में पहुंचते और 10 मिनट पहले ही कक्षा से बाहर आ जाते थे, जबकि 1853 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई ने अपने मकान में ही प्रौढ़ों के लिए रात्रि पाठशाला खोली थी। एक बार आप भी राधाकृष्णन और फुले दाम्पत्य के व्यक्तित्व व कर्तृत्व का गूगल पर ही सही तुलनात्मक अध्ययन करते हुए विचार करें कि शिक्षा के क्षेत्र में दोनों का योगदान क्या और कैसा रहा। हिंदू संस्कृति की डींगे हाँकने वालों ने अपने धर्म को सनातन बताया, श्रेष्ठ बताया, महिला को दुर्गा लक्ष्मी देवी बनाया, श्री गणेश को विद्या का देवता और सरस्वती को शिक्षा की देवी बनाया, लेकिन हजारों वर्षों तक जमीनी स्तर पर महिलाओं को शिक्षा व उसके तमाम मानवीय अधिकारों से वंचित रखा। धर्मांधता, अंधविश्वास, रूढ़िवाद, अस्पृश्यता, पिछड़ों और सभी वर्ग की महिलाओं पर जब अत्याचार चरम सीमा पर थे, बाल विवाह, सती प्रथा, बेटियों को जन्मते ही मार देना, विधवा स्त्रियों को प्रताड़ना, बेमेल निकाह, बहुपत्नी विवाह आदि प्रथाएं महिलाओं के जीवन को तार-तार कर रही थी, मनुवाद और जातिवाद का बोलबाला था। ऐसे समय में माता सावित्रीबाई फुले व ज्योतिबा फुले ने जाने कितनी यातनाएं आपके शिक्षा और जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए झेली है। और जब शिक्षक दिवस मनाने की बारी आती है तो आप एक थीसिस चोर को अपना आदर्श बना लेते हो। माता सावित्रीबाई फुले को यूं ही क्रांति ज्योति नहीं कहा जाता, उन्होंने अपने अथक प्रयासों से महिलाओं एवं शोषित समाज को शिक्षा पाने का अधिकार दिलाया, धार्मिक रूढ़ियों की कतई परवाह नहीं की, सवर्ण समाज द्वारा किए गए अपमान व अत्याचार का बहादुरी से डटकर मुकाबला किया। ज्योतिबा उस दौर के मैट्रिक शिक्षित थे, वे चाहते तो सरकारी नौकरी कर अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन बिता सकते थे, लेकिन वे दोनों ने मिलकर आपके लिए हर जुल्म को झेला, प्रतिरोध की ज्वाला को जीवित रखा। शिक्षक वह होता है जो आपको जीवन जीने का सही रास्ता प्रदर्शित करे और आपको उचित विद्या दे। आज से करीब 160 वर्ष पूर्व हिंदू समाज में महिलाओं को स्कूल भेजना व उन्हें पढ़ाना पाप समझा जाता था।
वेद, पुराण, धर्मग्रंथ, परंपरा, संस्कृति और मान्यताएं इसकी इजाजत नहीं देती थी। उस समय अपने ही हिंदू समाज से बगावत कर महिलाओं के लिए स्कूल खोलना, शिक्षिका बनाना और इसके पूर्व खुद पढ़ लिख लेना कितना कठिन संघर्ष होगा और कितना साहस का काम रहा होगा। इस साहस के बदले हमने उन्हें क्या दिया? शोषित समाज व महिलाओं को शिक्षा देने वाले फुले दाम्पत्य के खिलाफ धर्म पंडितों व सवर्णों ने उन्हें अश्लील गालियां दी, धर्म डुबोने व अनेक लांछन लगाए। यहाँ तक कि स्कूल जाते समय उन पर मनुवादियों ने पत्थर, कीचड़, गोबर व विष्ठा फेंका, फिर भी फुले दाम्पत्य के हौसले कम नहीं हुए। स्कूल में जाकर वस्त्र बदलकर उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। उन्होंने मनुवादियों की कोई परवाह नहीं की। जब शिक्षक दिवस मनाने की बारी आती है तो आप डॉक्टर राधा कृष्णन का चयन करते हो। इतनी निर्लज्जता का हम धिक्कार करते हैं। सवर्ण समाज ने माता सावित्रीबाई फुले द्वारा चलाए जा रहे स्कूल को बंद कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, विविध ढंग से तंग किया, हमले किए, एक बार उन पर जानलेवा हमला किया, लेकिन वे डरी नहीं बल्कि प्रतिकार किया। बदले में उसे अनेकों थप्पड़ जड़ दिए। शिक्षा के क्षेत्र में एकाधिकार जमाए बैठे ब्राह्मणों की धार्मिक व जातिगत नींव को हिला कर रख दिया। वह दौर कितना धर्मांधता से भरा होगा इसकी कल्पना आज के मौजूदा हालातों से कर लीजिए। 170 वर्ष पूर्व वैज्ञानिक आविष्कारों के बिना महज तर्क और मानवीयता के आधार पर शिक्षा का महत्व पिछड़े समाज को समझना ही सर्वाधिक कठिन स्थिति रही होगी। ऐसे में जो व्यक्ति शिक्षा के लिए अपना कुछ भी दाव पर नहीं लगाया हो और थीसिस चोरी कर महान बन गया हो, उसके सम्मान में शिक्षक दिवस मनाना कितनी बड़ी मूर्खता है। माता सावित्रीबाई फुले ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया बल्कि भारतीय स्त्री की दशा सुधारने के लिए उन्होंने 1852 में महिला मंडल का गठन कर भारतीय महिला आंदोलन की अगुवाई भी की। इस मंडल ने बाल विवाह, विधवा पर होने वाले जुल्मों के खिलाफ स्त्रियों को संघर्ष के काबिल बनाया। विधवा का सिर मुंडन करने की प्रथा से विचलित माता सावित्रीबाई फुले ने जब नाइयों से अपील कर समझाया कि वे विधवाओं को प्रताड़ित करने के लिए बाल न काटे तो नाइयों ने साथ दिया और प्रतिज्ञा ले ली। विश्व के इतिहास में ऐसा आंदोलन कहीं नहीं हुआ और हम डॉक्टर राधा कृष्णन को अपना गुरु बना बैठे हैं। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।